अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा लाउंज, ब्रॉट टू यू बाय फातिमा फर्टिलाइजर्स। आई एम योर होस्ट बजल मुश्ताक। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। आज हमारे साथ ईद के स्पेशल शो पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। देयर कपल, ही इज वन ऑफ आवर पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स। ही हैज प्लेड 6 वर्ल्ड कप्स इन हिज करियर। द यंगेस्ट अकमल ब्रदर इज वेल, आई एम श्योर यू गेस्ट हिज नेम। उनके साथ उनकी वाइफ आई हैं जो कि मेरी भाभी भी हैं। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरे पिरे रहते हैं, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि ईद का मौका है तो इनसे ज़रा खट्टी मीठी नहीं मीठी मीठी बातें करें ज़्यादा। लेकिन सिंस ही इज हेयर एंड विद हिज वाइफ, थोड़ी बहुत खट्टी खट्टी बातें भी कर ही लेंगे। सो प्लीज वेलकम गाइज उमर अकमल एंड हिज वाइफ नूर अकमल कादिर। हाउ आर यू गाइज? ईद मुबारक सबसे पहले तो आप लोगों को। कैसी गुजरी आप लोग की ईद? क्या आप लोगों के प्लान्स होते हैं पहली दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन? वालेकुम अस्सलाम। ईद के पहले दिन तो फैमिली डे होता है, उससे पहले तो रमजान क्रिकेट चल रही होती है और मैं उसमें बिजी होता हूँ। आप रमजान में भी क्रिकेट खेल रहे हो? रमजान में भी क्रिकेट चल रही होती है, तो कोशिश होती है कि मैं पहला रोज़ा या दूसरा रोज़ा अपनी फैमिली के साथ करूं और उसके बाद मैं बिज़ी हो जाता हूं, तो ईद से एक दिन पहले आता हूं। अच्छा। तो फिर अगले तो 3 दिन फैमिली के साथ बिज़ी रहता हूं। फर्स्ट डे अम्मी अबू के घर जाता हूं। अच्छा। सेकंड डे अपने ससुराल के घर जाता हूं। हाँ। तो थर्सडे अपनी फैमिली को लेके कहीं बाहर जाता हूँ डिनर पर। और फैमिली फ्रेंड्स वगैरह का फिर आप चौथे पांचवे दिन करते हैं? मेरी फैमिली फ्रेंड्स यही है या मेरे कुछ भी है, मैं इनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है इनके साथ टाइम स्पेंड करना। हाँ। तो इसलिए कोशिश होती है जितना भी टाइम मिले बच्चों के साथ अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आई एम श्योर ईद तो इतना तुम्हें पता है आप लोग बहुत बांटते होंगे ईदी। आप लोग लेते भी हो? मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा, नो डाउट के शादीशुदा भी हूँ, बच्चे भी हैं। हाँ। लेकिन मैं अपनी ईद छोड़ता नहीं हूँ अपने बड़े भाइयों से, अपनी सिस्टर से। मेरी सिस्टर अमेरिका में होती हैं तो अच्छा। वो वहाँ से भी भिजवाती हैं। अच्छा, सही। तो मैं अगर ना वो ना भिजवाए तो मैं फोन करके कहता हूँ कि आपका एक छोटा भाई भी है, चाहे उसके पास बहुत कुछ लगा दिया हुआ, लेकिन जो ईद है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। खुद भी नहीं ना भेजते, खुद भी नहीं भेजते, लेके नहीं भेजते, लेके नहीं भेजते। आप लेते हैं? मतलब अगर नहीं भेजे ना तो फिर खुद भी नहीं भेजते, लेके फिर भेज देते हैं। पर ये आपको देते हैं ईद? ऑब्वियसली ये तो बहुत जरूरी होता है, मैं इनसे लेता हूं, बहुत जरूरी होती है वो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ना मिले तो हालांकि हर चीज पूरी होती है, कपड़े वगैरह हर चीज, लेकिन एक जो ईदी होती है ना उसका एक अलहदा चार्म होता है। तो अभी इस दफा क्या ईदी मिली है आपको? डिपेंड करता है, वैसे तो सब कुछ ही होता है, लेकिन कभी 10,000, 20, 30 जैसे कभी, लेकिन लास्ट टाइम 1 मिला था मुझे। तो आई थिंक आपको लगता है कि ये मेरे से 10,000 या 20,000 लेगी? वो पहले जब दे देते हैं मुझे लग रहा है ज्यादा लेंगी। हां, लेकिन लास्ट ईयर मुझे 1 मिली थी। हां, ओके, 1 लाख रुपए इसने लिया था। तो अभी गाइस मैं सबसे छोटा हूं यहां पे, तो मुझे भी मेरे ख्याल से ईदी मिलनी चाहिए। नहीं, हां आपके लिए जरूर। मेरे लिए आप कुछ नहीं लेके आए? हां, आपके लिए जरूर लेके आए। इसकी तो दो यार। क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपके लिए ईदी ना लेके आए? ये एक मैंने, व्हाट इज दिस? ये एक मैंने परफ्यूम लॉन्च किया है, AQ5। हाँ। तो ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और शाहजहां आप लोगों ने अभी यही लगाया है? जी मैंने यही लगाया, क्योंकि आई कैन स्मेल इट और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है एक्चुअली इसकी। बेसिकली ये ऊद है। अच्छा। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इतना अच्छा रिस्पांस अभी तक जो हमें मिला है, इसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी हुई है। हाँ जी। तो ये मेंस के लिए? ये दोनों के लिए, लेकिन ज्यादातर इनको मेन ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये मैं इतना नहीं देख रहा। हाँ। ये आपकी भाभी ने हाँ। इस पे बड़ा वर्कआउट किया तो वो इस चीज को ज्यादा देख रही है, तो नो डाउट मेरे लिंक जरा थोड़े से ज्यादा। थैंक यू गाइस, बड़ा अच्छा, इसकी मुझे खुशबूएं आ रही हैं। और उमर ने भी लगाया है। एग्जैक्टली, मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उसकी। और आपकी क्रिएटिविटी तो है ही, आपने ये कपड़े भी आप ही ने डिजाइन किए हैं, राइट? आप क्लोथ डिजाइन करती हैं? हाँ जी बिल्कुल, अपने खुद ही करती हूं। तो आपकी कोई, आप सोच रही हैं कि आप आगे जाके कोई शॉप खोलेंगे या कुछ इस तरह? हाँ इंशाल्लाह, सून ब्रांड। ओके, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि उसके लिए आपका अच्छा हो। हाँ, इकट्ठे काम करेंगे इसके लिए। बिल्कुल हाँ, मेरा भी जरा थोड़ा दिमाग है आर्टिस्ट वाला, तो हम इकट्ठे मिलके कर लेंगे। नाइस, ठीक हो गया। अच्छा उमर भाई, आप बताएं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलें? इज इट जस्ट फेट या फिर? ये तो मुझे भी नहीं पता टू बी ऑनेस्टली, बात बताऊं कि कौन नहीं चाहता, लेकिन इतना पता है कि इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की जात ने चाहा तो कोई भी नहीं मुझे रोक सकता। अपना हार्ड वर्क कर रहा हूं। लेकिन आज ईद का दिन है तो आप अपने फैंस को, अपने इवन दुश्मनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ दुश्मनों को मैसेज मैं सबसे पहले तो अपने फैंस को यही बोलूंगा कि ईद मुबारक। पूरे पाकिस्तान को, जितने भी लोग हैं, जितने मुसलमान जहाँ जहाँ हैं, उनको ईद मुबारक, और वो अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करें।
और ईद के मौके पे कुछ ऐसा सीन ना क्रिएट करें कि किसी की दिल आजारी हो। मुझे याद है कि बचपन में जब मैं छोटा सा था तो एक टूर पे मैं उमर भाई के साथ बहुत ट्रैवल करता था। इनके बड़े मजे के हैं, उमर भाई बहुत शुगली भी थे और मजे के भी हैं, तो आई यूज टू हैंग आउट विद हिम अ लॉट। तो आई नो कि आप बड़े अच्छे इंसान भी हैं और आपको एमिनी लोग सपोर्ट करते हैं, किसी वजह से ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ। थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही करते, ज्यादा ही करते हैं। नहीं, नूर भाभी आप बताएं, अक्सर ये शोज में आपकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इस पीरियड में आप लोग कितना क्लोज हुए? मतलब जब इस तरह मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है तो आप ज्यादा क्लोज हो जाते हो ना, तो आप लोग का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हुआ? हाँ ऐसा है, ऐसा है कि एक तो पहले जब उमर की क्रिकेट, जब मेरी शादी हुई तो उमर वॉज वेरी बिजी, क्रिकेट 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 बिल्कुल, तो ये वाला जो टाइम था वो घर के अंदर था, थोड़ा उम्र के लिए भी डिफिकल्ट था, जाहिर है अपनी एक बिजी लाइफ से निकल के और फिर घर के अंदर रहना, फिर बच्चों के साथ, तो या डिफिकल्ट टाइम था, हार्ड टाइम था, पर हम दोनों ने एक दूसरे को लेट डाउन नहीं होने दिया और एक दूसरे के साथ एक बाउंड बना के रखा और एक दूसरे को समझाते रहे, जहाँ पे मैं गिरी वहाँ पे उमर ने संभाला, जहाँ पे उमर गिरे वहाँ पे मैंने संभाला। तो लेकिन एक मतलब ये मेरी क्यूरियोसिटी है कि एक क्रिकेटर की वाइफ की क्या लाइफ होती है? क्रिकेटर की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, क्या वाइफ की भी उतनी ही मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। एक तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है, जो मेरे ख्याल से जो मेरे नॉलेज के हिसाब से जो लड़कियाँ बच्चियाँ होती हैं वो अपने फादर को आइडलाइज करती हैं, तो मैंने तो अपने फादर को देखा था ऐसे ही था, तो मुझे ऐसे लगता है कि उमर को थोड़ा सा एज मिला है मेरे उस चीज़ से, कि उमर को कभी मुझे समझाना नहीं पड़ा इस चीज़ को लेके कि फैंस आ रही हैं या इस तरह करके, वो चीज़ें नहीं करनी पड़ी और मैंने खुद ही उसको थोड़ा सा करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत क्रिकेट में मतलब बहुत फॉलो करती हूँ और शुरू से, हाँ बहुत ज्यादा, अच्छा, तो इसलिए ज्यादा इजी था मेरे लिए इसको करना, क्योंकि तो आपने भी आपकी अपनी फैमिली में आपने, हाँ मैंने तो सबको, भाइयों को, वालिद साहब को, सबको देखा था। हाँ, और आपके... कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो मेरी बेटी आती है ना, जब लड़की मेरे साथ पिक्चर उतरवाती है तो मेरी बेटी को बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा हाइपर होती है, वो जाके ना मेरे वाले साहब को बताती है कि दादा बू मैंने बाबा को मना भी किया था कि आपने लेडीज के साथ पिक्चर नहीं उतरवानी। हाँ, फीमेल फैन के साथ ना, तो वो मुझे नहीं उतरवाने देती पिक्चर किसी के साथ। सही, उसको ज्यादा जेलिसी होती है कि मेरे अबू, बेसिकली वो ठीक है, शायद मे बी वाइफ ने उसको गाइड किया। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा उम्र को लेके ना पोजेसिव है। मैं अभी हम लोग लास्ट इस्लामाबाद गए थे कुछ दिनों पहले की बात है, तो ये उमर के साथ थी और मेरे साथ बेटा था, तो घूम के वापस आई तो मुझे लगा, मैंने इससे पूछा कि तुम तो बाबा के साथ गई थी, मतलब क्यों आई हो इस तरह, तो मुझे कहती है मेरी बात सुने, मैं जब उधर गई थी तो बाबा किसी लड़की के साथ पिक्चर उतरवा रहे थे ना, तो मैंने कहा हलीम मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि मतलब, कहती है उतार रहे थे, मैंने देख लिया था। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता हलीम देख लिया था, कहती इनको तो मैं बाद में जाके गाड़ी में पूछूंगी कि इन्होंने पिक्चर क्यों उतरवाई, तो मैंने कहा लो भाई, अब उमर ने कहना ये नूर ने सिखाया है इसको। बेटियां वैसी है बाप के साथ ज्यादा, जिस तरह नूर भाभी ने कहा कि होती है, तो उसको वो जेलिसी फैक्टर उसमें ज्यादा आता होगा। नहीं, जाहिर सी बात है, वो कहने के मैं मेरी लाइफ में वो फर्स्ट टाइम कि मैं जैसे बड़े भाई के बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच था, तो अच्छा। मेरी लाइफ में वो फर्स्ट टाइम मैंने अपने हाथों में जब वो उसको उठाया था तो वो मेरी फीलिंग्स ही डिफरेंट थी, और मैं समझ ले कि मैं उसको कुछ भी नहीं कहने देता, इवन ये डांट भी रही होती ना तो मैं इसको थोड़ा सा डांट देता हूँ कि मेरे सामने इसको मत कुछ कहा करो, अकेले में जो मर्जी कह लिया करो, क्योंकि वो जब तुम उसको डांटती हो ना मेरे सामने तो वो रोने लग जाती है। उसके वो तो फिर पहली नजर उसकी होती है कि मेरा बाबा देख रहे हैं ना मुझे कि नहीं देख रहे, जान के ज्यादा हो जाता है वो। अच्छा, जिस तरह हरलीन आपकी जो बेटी है उमर भाई के साथ बहुत होती है उस तरह से, जेलस भी होती है, आपको आगे शिकायतें भी लगाती है कि बाबा उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो आप ही बचपन में आपके जो वालिद थे अब्दुल कादिर उनके साथ ऐसी थी? बाप जान के साथ ऐसी तो नहीं थी, जेलसी वाली नहीं थी, लेकिन जब मैं थोड़ा होश संभाल रही थी या जो भी था
तब वाले साहब ने मेरी क्रिकेट छोड़ दी हुई थी। अच्छा। तो बाबजान के साथ जो जेलसी वाली बाउंडिंग है वो मेरी बड़ी बहन की थी। अच्छा, ठीक। तो जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बड़ा मजेदार सा सीन लगता है, क्योंकि मैं अपने वाले साहब के साथ बहुत अटैच थी, फ्रेंडली मेरा उनके साथ था। तो हरलीन का भी कदरे उस तरह का है उमर के साथ, और सेंसिटिव, जिस तरह उमर बहुत उसको लेके पोजेसिव है तो वो भी उमर को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव है। और आपका बेटा भी उमर की फेस पे स्माइल, खुश हो रहे, प्राउड डैड। तो आपका बेटा भी उमर भाई के साथ है या आपके, आपका लाड़ला है? अच्छा, वो दोनों तरफ से, लेकिन वो ज्यादा उमर को आइडलाइज करता है, घड़ी पहनना, बाबा की जूते अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं। तो आप ऐसा क्या गलत कर रही हैं? मैं दूसरा, मेरा जरा वो दूसरा वाला ना स्ट्रिक्ट वाला सीन। अच्छा, है। सही। मैंने उमर खुद बड़े तेज है ना, उमर ने खुद अपना अच्छा वाला सीन रख लिया, मुझे हिटलर बना दिया बच्चों के सामने। बेसिकली मैंने कभी कभी तो घर आना, मैंने कहा यार थोड़ा सा बच्चों का प्यार, बिल्कुल ऐसे ही है, बेगम ने तो रहना ही घर पे है ना बच्चों के साथ। मुझे हिटलर बना दिया और खुद अच्छे बन गए। तो मेरे दो साल का बेटा भी उमर के साथ बाउंडिंग है, मेरे साथ नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक हो गया। आई थिंक उन्होंने बड़ी स्मार्टली इस तरह किया ना, वो गुड कॉप खुद बन गया, बैड कॉप आपको बना दिया। हां, मुझे बना दिया। नहीं तो आप लोग की शादी, आप लोग मिले कैसे, किसने रिश्ता आंटी वाला रोल प्ले किया, वो क्या सारा था स्टोरी? वो अंकल ने पसंद किया था। अच्छा, सही। और फिर बाद में आपके वालिद ने? अच्छा, ठीक। उनको आप पसंद आई थी? बस उमर को लग रहा है बहुत चुड़ियां चल रही हैं। नहीं तो आपने नहीं पसंद किया? मैंने वो तो मैंने किया ना, फिर बाद में पसंद, मैंने तो पसंद किया। लेकिन मतलब ये कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में कॉमन जो चीज है वो क्रिकेट है। हाँ। क्योंकि आप भी क्रिकेट बैकग्राउंड से आती हैं, वो भी क्रिकेट बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो एक हाँ, लेकिन कोई लिंक नहीं है इसका। थैंक यू वेरी मच। नहीं लेकिन आपको हाँ जी, मैंने किया प्रपोज भी, मैंने पहले किया था, शादी भी मैंने की। लेकिन आपको इस तरह से नहीं हुआ ना कि आपको सेटल होना पड़ा, आपके लिए वही दुनिया थी, आप उसी दुनिया में, मतलब ऐसा कुछ इतना भी नहीं था बाजिल, इजी बहुत मुश्किल था, मतलब ऑब्वियसली काफी मुश्किल था। लेकिन ये है कि आप ये कह लें कि मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी, अपनी वाइफ को इतना समझाना नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी फैमिली से थी। बिल्कुल। और मैं स्पेशली आंटी का और अंकल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्पेशली जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, जैसे इमरान भाई हैं, सलमान भाई हैं, रहमान भाई हैं, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, ओके, उन्होंने इसको ज़्यादा गाइड किया हुआ था कि उमर दरा थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला है और थोड़ा सा बाहर रहने वाला है, तो इस चीज को तुमने माइंड नहीं करना। बट नूर भाभी खुद ऐसी हैं, हंसी मजाक वाली हैं। हंसी मजाक वाली तो हैं, लेकिन ये कि मेरी क्रिकेट उमर के साथ नहीं है इतना हंसी मजाक मेरा। लेकिन वो मेरी उमर भाई से अलग है। हाँ, वो दूसरा है। लेकिन मेरी क्रिकेट इससे डिस्टर्ब नहीं हुई कि मुझे समझाना नहीं पड़ा कि ना इसको अगर मैं कह दूं कि यार मैं अभी जा रहा हूँ और या मैं दोस्तों में बैठा हुआ हूँ, ये समझ लें कि पता ही नहीं चला मेरी लाइफ के 10 साल कैसे गुजरे हैं। मुझे पता चला है, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी सारी जिंदगी ऐसे रखे और हमारे बच्चों को भी, हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स बने। बिल्कुल। और जब माँ बाप इतने क्यूट हों तो फिर बच्चे, ये कह लें कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। आपके इंडिया में भी क्रिकेटर्स से आपकी है दोस्ती यारी? बिल्कुल है, काफ़ी प्लेयर्स हैं, जैसे माही भाई हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, मैं उनको माही भाई कहता हूँ। विराट है, मेरा बैचमेट है, उससे भी बहुत अच्छी दोस्ती है। जतेजा है, रायना है, काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं बैठता हूँ। युवराज सिंह है। हाँ बिल्कुल, कि आप ये कह लें कि उनके साथ उठना बैठना है, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, नो डाउट कि वो माशाल्लाह स्टार हैं अपनी कंट्री के, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, कि वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उन्होंने कभी भी मुझे उस तरीके से नहीं मिले, अच्छे तरीके से मिले हैं, भाइयों की तरह मिले हैं। माही भाई ने हमेशा छोटा भाई समझा हुआ है। आप भी क्रिकेट में, आपका भी शुरू से बचपन से आपको पता आपने क्रिकेट खेलनी, क्योंकि कामरान भाई भी क्रिकेट में थे? नहीं, शुरू से तो नहीं पता था, शुरू से मुझे ये पता था कि मैंने पतंगबाजी करनी है। अच्छा। स्नूकर खेलना। अच्छा। है, बाइकिंग करनी है। हाँ। तो बस ये कह लेंगे जब 2007 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले मैं एज ए टाइम पास क्लब क्रिकेट खेल रहा था अपनी क्लब में। ओके। तो मैं इतना सीरियस खेलता नहीं था, तो घर में सबसे छोटा था, ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। तो मैं 2007 का वर्ल्ड कप देख रहा था अपने वाले साहब के साथ, तो उस वक्त इंडियन टीम में यूसुफ पठान और इरफान पठान खेल रहे थे। तो वाले साहब ने कहा काश मेरे दो बेटे टीम में होते तो मेरा भी सर फखर से बुलंद होता। तो मैंने बस वो दिल में बात बिठाई, तो फिर मैंने कहा यार बस अब खत्म, अब यशी खत्म, अब करके दिखाना है। अच्छा, अब हम खेलेंगे कंपैटिबिलिटी टेस्ट।
ये आपको मैं क्यू कार्ड दूंगा, ठीक है, इस पे आपने लिखने हैं जवाब। मैं आपसे सवाल, मैं उमर भाई से सवाल पूछूंगा आपके बारे में, और आप पहले जवाब लिखेंगी और फिर उमर भाई अपना जवाब बताएंगे, एंड फिर आप हमें दिखाएंगी तो हमने मैच करने उसको, क्योंकि अभी बड़ा मुश्किल काम, उमर भाई बड़ा बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं, अब हम देखें कितने बेस्ट फ्रेंड ठीक हो गए। हाँ पता चले। हाँ अच्छा, नूर भाभी का फेवरेट कलर कौन सा है? नूर भाभी के पास किस कलर के कपड़े ज्यादा होते हैं? वैसे तो नॉर्मली काफी कलर्स होते हैं, लेकिन ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि वाइट और ब्लैक ही होते हैं। गुड, अगेन ब्लैक, ये भी सही है आपका, अभी तक सही जा रहे हैं। नूर भाभी की फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश, अगर इसका बहुत दिल करे, इसकी दो डिशें फेवरेट हैं, एक चिकन बिरयानी है और एक कड़ी और वाइट राइस। नाइस, उन्होंने बिरयानी लिखी हुई, आपका पहला आंसर बिल्कुल ठीक था, और कड़ी और वाइट राइस, ये बड़े शौक से। ओके, तो नूर भाभी को जब गुस्सा आता है कैसे जाहिर करती हैं? जैसे आप जब घर जाते हैं तो यू नो बच्चों को डांट रही होंगी, या किस तरह, क्या फॉर एग्जाम्पल किस तरह से गुस्सा जाहिर करती हैं? गुस्सा बस ये कह सकते हैं आपके कि वो चुप हो जाती हैं, बोलती हैं क्या, मूड यानी कि टोटली ऑफ हो जाता है, और मैं पूछता हूँ क्या हुआ है, क्या हुआ, मैं 3-4 दफा पूछता हूँ, तो आपने बच्चों को सर पे चढ़ाया हुआ है, बच्चों को थोड़ा सा समझाएं, वो मेरी बात लिसन नहीं कर रहे तो मतलब बोलती हैं तो मैं जब वो ये इसका मूड चेंज होता है जब ये बोलती है ना तो मैं एक साइड पकड़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ अभी जरा गुस्से में बात नहीं, जाहिर कर देती है अपना गुस्सा, छुपाती नहीं, मैं साइड पकड़ लेता हूँ। अच्छा, आपका क्या आंसर है? बोल के। ओके ठीक, हो गया। ओके, मेरा ख्याल है यहीं पे गेम एंड कर देनी चाहिए। बस 3 और सवाल हैं, अभी तक सही जा रहे हैं वैसे। इतने आप लोगों की कलर कोऑर्डिनेशन है, उसी तरह आप लोगों की माइंड कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। बेस्ट फ्रेंड्स मैं मान गया हूं आप लोग हैं। अच्छा, अभी 3 रहते हैं, बजर खबर करो। 7 सवाल हैं, 4 उन्होंने सही दे दिए, पास हो गए वैसे वो। हां, लेकिन 3 पे भी हो सकती है, 4 पे नहीं, आखिरी 3 पे ज्यादा हो सकती है। ये डिजाइन भी इसने खुद ही किया है, इसलिए मैं पहन के आया। ठीक हो गया। अच्छा, नूर भाभी का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है? एक मिनट मुझे पहले लिखने दो, बोलो ना। जहां भी मैं से अभी तक नहीं लेके गया, मालदीव। ओ नाइस नाइस, ठीक हो गया, 2 सवाल रहते हैं, लेकिन मैं अभी जहां मैं अभी तक इसे नहीं लेके गया, मालदीव, और इंशाल्लाह ताला इसे मैंने प्रॉमिस किया बहुत जल्दी इसे मैं लेके जाऊंगा वहां पर। मुझे भी ले जाइए। मैं 7 वाले कमरे में रहता हूं। मेरी भी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन मालदीव ही है। अच्छा चलो सही है। साथ में वो उसको भी लेके जाएंगे ना यार, वो क्या नाम, नवाल को बगैर मजा नहीं है। उसको मोटो कहती रहती है। ठीक हो गया। वो मेरी छोटी बहनों की तरह, मैं वैसे ही प्यार से उसको मोटो मोटो कहता हूं। हां आई नो। अच्छा, नूर भाभी को किस चीज की शॉपिंग ज्यादा पसंद है? 2 चीजों की आप कह सकते हैं जो मैंने अभी तक नोट की है। एक तो माशाल्लाह परफ्यूम्स और कपड़ों की इसको बहुत शौक, बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, अगर मैं थर्ड ऑप्शन दूं तो इसको होता है बैग्स या ग्लासेस, दैट्स इट। हां नूर भाभी, शूज, बैग्स एंड वॉचेस। ओके, शूज भी उन्होंने कह दिया, बैग्स भी कह दिए, वॉचेस दिखा, लेकिन ठीक है, आई विल गिव यू दैट, क्योंकि बैग्स आपने कह दिए। काफी औरतों का शौक होता है शॉपिंग का, तो फिर किस चीज के आप ख्याल रख सकते हैं? अच्छा, नॉर्मली मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मेरा तो कार्ड ही चल रहा होता है, मैसेज आ जाता है कहाँ से हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गेस किया। नहीं तो अच्छा, आखिरी सवाल, अभी तक आपके सारे सही गए हैं। नूर भाभी किस चीज की फरमाइश ज्यादा करती हैं? उमर कम ऑन प्लीज, अब ये गलत ना करना। प्लीज फरमाइश यही होती है कि आप तो मुझे टाइम दिया करें, अपने क्रिकेट को टाइम देते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, और थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो तो आप सोशल मीडिया, फोन अपना स्क्रॉल करते रहते हैं, वो टाइम हो तो वो थोड़ा सा मुझे दे दिया करें। ओ वाओ, गुड यार, मतलब आपने 7 के 7 सवाल के जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। ओके गाइस, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके, बट वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। आप लोग प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग समर लाउंज, ब्रॉट टू यू बाय फातिमा फर्टिलाइजर्स। Welcome back to Samal Lounge, brought to you by Fatma Fertilizers. We are having a conversation with Umar Akmal and his wife. Let's just continue. Acha, Umar bhai to jeet gaye. Mere khayal se aapke saath bhi ek compatibility. Yaar, Umar thoda complicated hai. Aise nahi karo. Nahi, I think main nahi kar paunga.
नहीं लेकिन हम हमें आपका भी जानना ना कि वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड है, क्या आप उनकी बेस्ट फ्रेंड है ये भी मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, ये है बात खत्म कर दो। नहीं लेकिन अच्छा मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आप लोगों ने फौरन एक ही साथ जवाब दिया, ठीक है सोचे समझे बगैर। ओके ठीक है। उमर भाई का फेवरेट कलर ब्लैक। उमर भाई की फेवरेट डिश बिरयानी और दाल चावल। ओके। उमर भाई गुस्से को कैसे जाहिर करते हैं? चुप हो जाते हैं। Is that true? सही बताना है, आपने झूठ नहीं बोलना। अच्छा ठीक है। अच्छा उमर भाई अगर झूठ बोले या कुछ इस तरह हेरा फेरी करें तो आप कैसे पकड़ती हैं? आंखों से। ठीक हो गया क्योंकि मैं आंखें नहीं मिला सकता। ठीक। हाँ, बात कहीं कर रहे होंगे, देख कहीं रहे होंगे। ओके। अच्छा उमर भाई की एक वीकनेस कौन सी है? बच्चे। आपने बोला नहीं। नहीं मेरी वीकनेस जाहिर सी बात है मेरी लाइफ में मेरी फैमिली तो है ही है, और मेरी फैमिली के बाद अगर मेरी कोई वीकनेस है तो मेरी वाइफ है। तो मैं ठीक वाइफ का नाम लेना चाह रहा था, इसने पहले बच्चों का नाम ले लिया इसलिए मैं चुप कर गया। आप वाइफ कहना चाह रहे थे, उन्होंने बच्चों बोला। मैं वीकनेस नहीं हूं ना उमर की, मैं कहती हूं आप उनकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ बेसिकली स्ट्रेंथ तो है ही है, वीकनेस मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर कोई मुझे अगर बोले ना कि यार तुमने अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी वाइफ नाराज हो जाएगी, तो मैं इस तरह इसको लेता हूँ इस चीज को। तो मैं ये अगर स्ट्रेंथ अगर यार अगर तुम ये काम करोगे तुम्हारी फैमिली तुम्हारी वाइफ को कितनी खुशी मिलेगी, तो मैं इस चीज को ऐसे लेता हूँ कि यार मेरी स्ट्रेंथ कितनी खुशी। बेसिकली उमर को होता है कि बनाना जरा मुश्किल हो जाता है, फिर क्या टेंट्रम्स देखने मूड्स देखना ये वो तो इसलिए जरा कंट्रोल ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा उमर भाई किस चीज पे दिल खोल के खर्चते हैं? खाने पीने पे। खाने पीने ये आपको पता है आप हार गई हैं वैसे। नहीं खाने पीने पे। लेकिन आप लोगों ने सेम सेम साइड पे आपने उनका कॉपी कर लिया जवाब। हाँ लेकिन उमर आपने मुझे कहना था मैं कहने लगा हूँ। मतलब ये आपने मुझे बताना था कि कहने। और उनकी वीकनेस या स्ट्रेंथ एक ही बात होती है कि स्ट्रेंथ वीकनेस वो एक ही चीज होती है। आपने बच्चे का जो कि वो भी सच है लेकिन ही सेड You. मैं कहने वाला था। हाँ. कहने वाला था। हाँ. पर कहा नहीं। ठीक हो गया। लेकिन आई थिंक बहुत अच्छे मार्जिन से उमर भाई वो ये गेम जीत चुके। तो कांग्रेचुलेशंस आपको। हम शो के बाद मैं आपको खाना खिला देता हूँ। ठीक है। थैंक यू। ओके। अच्छा उमर भाई मुझे ये बताया ना सीरियस नोट कि आपकी अभी मीटिंग भी हुई है मरियम नवाज और नवाज शरीफ वगैरह से, तो आप पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के बजाय उनसे मीटिंग क्यों करने गए? देखिए मैं मीटिंग नहीं करने गया। देखिए अपने इंसान के पर्सनल लिंक्स होते हैं और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ। कि उनसे जब भी मिलने की ख्वाहिश की है और उन्होंने मुझे टाइम दिया है, मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज ने टाइम दिया मुझे। और जाहिर सी बात है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, केस जीता था और क्रिकेट नहीं मिल रही मुझे, और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल हुए पड़े हैं, तो उनके पास रिक्वेस्ट लेके गया था और उनको सारी परफॉर्मेंस दिखाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की जात के बाद और शरीफ फैमिली से उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला तो जल्दी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आऊँ इंशाल्लाह, आई होप सो। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी करियर की सबसे ग्रेटेस्ट हाईलाइट क्या रही है आपके लिए? आप ये कह लें कि जब मैं फर्स्ट टाइम टूर पे जा रहा था, तो जब मैं इंटरनेशनल बॉल पहला खेल रहा था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। ओके। और आपके लिए रोल मॉडल कौन रहा है? मेरे लिए हमेशा रोल मॉडल मेरे भाई रहे हैं, कामिल भाई, कि उनको देख के ही मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। और आपको बाकी क्रिकेटर्स के अलावा मतलब आपको ऐसी क्या चीजें जो आपको बाकियों से मुख्तलिफ करती है एज ए क्रिकेटर? आप ये कह लें कि मैं क्रिकेट बहुत सीरियस नोट पे लेता हूँ और जब टाइम मिलता है तो मुझे शौक होता है अच्छा पहनने का, अच्छी गाड़ी रखने का। मैं आंसर करूं इस क्वेश्चन का? ही इज अ हार्ड हिटर और वो मिडिल ऑर्डर में अभी तक उमर के अलावा अभी तक किसी ने स्पेस नहीं बनाई है। जो उमर के पास रिकॉर्ड है अभी तक किसी के पास नहीं है। ये बोलिंग बीवी बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक दैट। ठीक हो गया। अच्छा और आप प्रेशर्स किस तरह हैंडल करते हैं? प्रेशर्स मैं इस तरह हैंडल करता हूँ कि जाहिर सी बात है जब क्राउड होता है और जब ऊपर से आउट होते हैं तो मैं जब अंदर जा रहा होता हूँ तो मैं दुरूशरी पढ़ रहा होता हूँ, अल्लाह का नाम ले रहा होता हूँ, और मेरे वाले साहब ने एक चीज़ मुझे बताई हुई है तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ और अक्सर आपने देखा भी होगा। तो बस अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला मुझे उस मुश्किल टाइम से निकालते हैं, तो अगर मुझे निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं
अल्लाह ताला की करम नवाजी से टीम को भी निकाल के ले जाता हूं। बिल्कुल। इनको तो प्रेशर होता है, हमें भी बहुत प्रेशर होता है। क्यों, आपको क्या प्रेशर होता है? हम लोग ग्राउंड में तो भी होता है, हम घर में बैठे हो तो भी होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस पे भी फोन आने होते हैं और ना परफॉर्मेंस करके भी फोन आने होते हैं। तो क्योंकि मेरी अपने फादर इन लॉ के साथ भी बहुत अच्छी बाउंडिंग है इस तरह क्रिकेट को लेके, तो मेरी उनके साथ भी बड़ी कन्वर्सेशन होती है बाद में। और फिर भाइयों के साथ है, मेरे भाइयों के साथ क्रिकेट की, तो वो प्री मैच डिस्कशन भी होती है, पोस्ट मैच भी होती है, फिर एंड पे जो होता है ना उसके फिर कॉन्क्लूजन्स भी निकालते हैं हम आगे से, डिबेट करते हैं, नहीं ये सही था, ये गलत था, ये अच्छा था। तो ये शुरू से ही मतलब बड़े शौक से बैठ के पूरी डिस्कशन होती है क्रिकेट मैचेस पे। ओके नाइस। आप लोग, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप दोनों के आगे के फ्यूचर गोल्स क्या है, क्योंकि अब नूर भाभी भी उन्होंने परफ्यूम भी लॉन्च किए, कपड़े भी वो डिजाइन कर रही हैं, आपका क्रिकेट में भी है, तो आपके आगे के फ्यूचर के गोल्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर के गोल्स यही हैं कि मैं जब क्रिकेट छोड़ूं, उसके बाद जो रिटायर्ड प्लेयरों की लीग है उसको थोड़ा सा और टाइम दूं, थोड़ा सा आप ये कह लें कि मैंने इसका थोड़ा सा माइंड चेंज किया, क्योंकि 10 साल इसने घर में बैठ के गुजारे हैं, बच्चों में इसने अपने बच्चों की बाउंडिंग कर रही है, सारा कुछ कर रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसका थोड़ा सा माइंड चेंज करूँ। इसको मैंने परफ्यूम का परमिशन दिया है अभी, माशाल्लाह ये कपड़ों की लॉन्चिंग करेगी, तो इंशाल्लाह ताला कि हम इकट्ठे अगर साथ लेके चलेंगे एक दूसरे के बिजनेस को, बिल्कुल, तो होपफुली इंशाल्लाह हमारी आने वाली जिंदगी बहुत आसान होगी, और जो मेरे प्लान हैं और जो मैं अभी तक कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला हम आगे भी उन लोगों के लिए करते रहे जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, कि वो लोगों की कभी भी हमसे उम्मीद, आप कह लें कि उम्मीद हमेशा हमसे रहे और हमें अल्लाह ताला की जात से रहे। बिल्कुल। तो उन लोगों को हमसे उम्मीद है तो हम उनको कभी भी डिसअपॉइंटेड ना करें। बिल्कुल। ओके गाइस, अब ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद हम आके एक गेम खेलेंगे, तो यू गाइस कीप वॉचिंग समर लाउंज ब्रॉट टू यू बाय फातिमा फर्टिलाइजर। Welcome back to Summer Lounge brought to you by Fatma Fertilizers. We are ready with the game. अब हम इन लोगों का एक compatibility test करेंगे guys. So here we go. आप दोनों को किस country में सबसे ज़्यादा घूमने का मज़ा आता है? मुझे तो आप ये कह लें कि जहाँ पे भी गया हूँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मैंने अभी तक अपनी वाइफ के साथ दुबई में, अच्छा, दुबई में मैंने घूमा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और वहाँ पे ये कह लें कि बच्चे थे हमारे साथ, मैंने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। वेदर फ्रेंडली है, बच्चे भी एंजॉय कर लेते हैं। अभी तक तो बच्चे छोटे ही थे ना, तो तब हमने एंजॉय किया वाटर पार्क्स एंड बीचेस वगैरह। पीएसएल पहले स्टार्टिंग वहीं पे थी, तो वहाँ पे ज्यादा हमने एंजॉय किया। आप इंडिया में भी खेलते रहे काफी देर, तो आपको इंडियन क्राउड और पाकिस्तानी क्राउड में क्या फर्क नजर आता है? देखिये, क्राउड जैसा भी हो, जिस मर्जी कंट्री का हो, जो फैंस होते हैं वो बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। बाबर आजम आपके कजन है जी, तो when you see him as a successful person, आपको कैसा लगता है, फील होता है? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगता है। और जब ये नया नया आया था तो हमें बड़ी खुशी थी कि हमारे चाचू का बेटा आया, पूरी सपोर्ट करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उसको सपोर्ट ही करते हैं। पर वो कभी 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 किस तरह का होता है, टैंट्रम्स दिखाते हैं? नहीं नहीं, टैंट्रम उसने क्या दिखाना, अभी छोटा है वो हमसे। अच्छा सही, छोटे हैं आपसे भी? छोटे हैं वो मेरे से भी, छोटा है, छोटे भाइयों की तरह। हमें उसने क्या टैंट्रम्स दिखाने हैं, अल्लाह ताला ने उसको अपना एक मुकाम दिया है, हमें अपना एक मुकाम दिया है, तो जाहिर सी बात है अभी नंबर वन प्लेयर चल रहा है और हमारी बेस्ट विशेस उसके साथ है। एब्सोल्युटली। मैंने सुना है कि आप गाना भी गाते हैं, तो मैं भी गाता हूँ। तो म्यूजिक का तो मुझे शौक है, अगर मेरे साथ कोई गाए तो उसके साथ मैं मिलके गा सकता हूं। हम दोनों नूर भाभी के लिए गाना गाते हैं। चलें ठीक है, मैं तो, मेरी तो वो वाइफ है, मेरी तो समझ में आता है लोगों, तो मेरी भी भाभी है यार। अच्छा, आप इस नजरिए से, लेकिन वो जो मैं गाना आजकल सुन रहा हूँ ना वो मेरे लिए सूट करता है, कि मैं अगर सुनाऊ ना तो वो समझ आता है, लेकिन मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो तुम साथ गाओ मेरे, तो मैं तुम्हारे साथ मिलके गा सकता हूं। एब्सोल्युटली। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे है जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म हुबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई रागनी, जिस्म जैसे चमकता हुआ दिल नशी,
लेकिन नूर भाभी ने बहुत अच्छा गाया, आई थिंक आपको गाना भी शुरू कर देना चाहिए। अच्छा जी, सब कुछ ही कर लेते हैं। आपको पता नहीं आप में टैलेंट है, मैंने हिसाब लगा लिया है। मेरी विश ये है कि ये बेस्ट वाइफ रहे, बच्चों की लुक आफ्टर करेगी, जो मैंने परमिशन दी है बस उसकी लुक आफ्टर करे। ओके ओके ठीक हो गए। ओके गाइस, अब हम सर सब रैपिड फायर कर रहे हैं, मैं फौरन फौरन आपसे जवाब पूछूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, आपने फौरन फौरन जवाब देने सोचे समझे। ओके ठीक है ठीक है। आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार कौन सी है भाई? लैम्बोर्गिनी। अच्छा, आप अपनी फैशन सेंस के लिए किससे गाइडिंग लेती हैं? अपने आप से। अच्छा, और आप? बेगम मेरे से। आई लाइक ठीक है। फेवरेट फूड कौन सा है? बिरयानी। बिरयानी आपकी भी? ओके। वन वर्ड फॉर शाहिद अफरीदी। बूम 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 बूम। बाबर आजम। कवर ड्राइव। मोहम्मद हफीज। गुड मैन। शाहीन शाह अफरीदी। गुड बॉलर कलंदर। ओके, गुड बॉलर एंड लाहौर कलंदर। कामरान अकमल। विकेट कीपर। गुड ब्रदर। एंड शोएब मलिक। बेस्ट फ्रेंड। नहीं, शोएब मलिक का कुछ कहने लगी थी। आपने क्या कहा शोएब मलिक का? बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा मुझे छोटे भाइयों की तरह और दोस्तों की तरह उन्होंने मुझे रखा। नहीं आया आपको? नहीं आया। आपकी याद दिहाने के लिए मैंने ये दोबारा सवाल पूछा। नहीं आया। अच्छा, अगर इन लोगों को आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो वो क्या देंगे? रमीज राजा। नो कमेंट्री। कमेंट्री करे, मुझे अच्छे लगते हैं वो कमेंट्री करते हुए। कमेंट्री करते हुए वाकई में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब वो नहीं कर रहे थे तो मैं मिस करी थी उनको कमेंट्री। वो जब ग्राउंड में होते हैं ना तो वो ये समझ लें कि वो मुझे बुला के बताते थे कि यार हम ऊपर बैठ के तुम्हें डिस्कस करते हैं, अगर तुम ऐसा खेलो तो ज्यादा मजा आएगा। मोहसिन नकवी। वी डोंट नो, अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मैं आपको बताऊंगा। नजम सेठी। आप ये कह लें कि अच्छे इंसान है। एंड मोहम्मद रिजवान। वेरी गुड बैट्समैन, गुड विकेट कीपर। ओके, अच्छा इन प्लेयर्स को टाइटल दें। शुएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस। ओ नाइस। अहमद शहजाद। सेल्फी। ओके, यू आर ऑन पॉइंट राइट नाउ। शाहिद अफरीदी। लेजेंड। ओके, वसीम अकरम। लेजेंड। एंड नसीम शाह। पठान। ओके सेम। अच्छा, मैं डिशेस के नाम लूंगा, इन डिशेस का नाम सुन के आपको कौन सा प्लेयर दिमाग में आता है फौरन? आपने बोला प्लेयर। हां प्लेयर। काबली पुलाव। शाहिनशाह। शाहिनशाह। बिरयानी। शोएब भाई। शोएब भाई। बाबर। जलेबी। अभी बाबर का चल रहा था ना बिरयानी वाला सीन, इसलिए मुझे याद आ गया। अच्छा ठीक। जलेबी जो मीठी भी है लेकिन टेढ़ी भी है। ऐसे तो नहीं लेकिन वैसे अचानक मेरे फेस से आ गया। क्या? रिजवान। अच्छा ठीक। हां ही इज वेरी स्वीट, यू नो। या फेस से आ गया। सम टाइम होता है कि जब हमारा मीठा खाने का दिल करे, करता था ना, मैं और शुएब भाई हम कोशिश यही करते थे कि हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। अच्छा, तो होटल में हम ढूंढ रहे होते थे, यार जलेबी खाने को दिल कर रहा है साथ में दूध में, तो हम वो ढूंढ रहे होते थे। अच्छा ठीक। एंड लास्टली बर्गर। आजम। शान मसूद आजम। हाँ ठीक हो गया। क्योंकि पीएसएल में पीएसएल में वो हमारे ज्यादा इसलिए ऐसा है, इसका दोस्त है ना। वो इसलिए क्योंकि मैं क्वेटा की टीम में था, मोइन भाई हमारे कोच थे, तो मैं मोइन भाई के साथ बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे, तो आजम का मैच खत्म हुआ तो आजम आया तो मोइन भाई ने पूछा क्या खाया तुमने, तो उसने बोला कि बाबा अभी कुछ भी नहीं, अभी मैंने ऑर्डर करना है। तो मोइन भाई ने पूछा क्या ऑर्डर करना है, बाबा अभी मैं कमरे में जाके ना बर्गर खाऊंगा। अच्छा, तो मैंने मोइन भाई से देखा, मैंने कहा मोइन भाई कहता ये कुछ भी नहीं, ये बर्गर नहीं छोड़ेगा चाहे जो कुछ मर्जी हो। जान ही उससे छिक्कों में जो मारता है उस बर्गर से ही आती है। बिल्कुल। तो बहुत मजा आया आप लोगों से गाइस बात करके, इट वाज रियली फन फॉर मी। आप लोगों ने गेम्स खेली, बड़ा अच्छी गेम्स खेली, एक गेम में उमर भाई जीते, एक गेम में आप जीती हैं। इंशाल्लाह आपसे अब मैं शो के बाद मिलूंगा, और आप लोग भी प्लीज देखते रहिए समर लाउंज ब्रॉट टू यू बाय फातिमा फर्टिलाइजर्स। एंड ईद मुबारक गाइस।